आपकी खुशियों में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वो लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। कितनी अच्छी लाइन्स है ना फ्रेंड्स। तो ये बात वाकई बहुत सही है कि जो हमें चाहते हैं ना, वो हमारे साथ हर सिचुएशन में हर जगह खड़े होते हैं। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको लेके जो दुनिया वाले हैं, जो लोग हैं, जो हमारे जो भी नज़दीकी हैं, वो दुख की घड़ी में ही, ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि असली जो हमारे दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनकी पहचान असली जो होती है वो दुख में ही होती है। तो इसलिए ये जो लाइन है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। गुड मॉर्निंग माई ऑल फैमिली, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है नवरात्रि के ना एक दिन जस्ट पहले का दिन, और क्या है ना कि बहुत सारे काम थे, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी थी। वैसे तो मैं रह रह के साफ़ सफाई करती रहती हूँ, और सुबह सुबह ना हस्बैंड का मैं लंच और ब्रेकफास्ट जो है वो बनाने के लिए आ गई थी। तो क्या था ना कि रात में कुछ दो चार बर्तन थे, बहुत रात में ना हम लोग को लेट हो गया था किसी काम की वजह से, तो दो चार बर्तन जो हैं वो छूट गए थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इसको मैं धुल देती हूँ। और फ्रेंड्स मैं क्या ही बताऊँ ना आपको, ये जो आपको सामने पतीला जिसमें ना पूरी मलाई लगी हुई दिख रही होगी, उसमें क्या ही हुआ था कि जल गया था बहुत ही बुरी तरीके से। दूध क्या हो गया था कि मेरे हस्बैंड ने दूध जो है वो चढ़ा दिया था, और इस पतीले की हालत देख लीजिए, हर तरफ से ना पतीला पूरी तरह से जल चुका था। बहुत ही मुश्किल हो रही थी छुड़ाने में इसको, तो मतलब देखिए एकदम रगड़ रगड़ के मुझे छुड़ाना पड़ रहा है। और थोड़ा सा ना आज युग का जो स्कूल है वो था नहीं, तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा आज रिलैक्स था मतलब, लेकिन ना फिर भी थोड़ा सा लगा कि लेट से उठी, क्योंकि लेट से सोना हुआ रात में, किसी काम से हम लोग बाहर गए हुए थे इस चक्कर में। और फिर सबसे पहले कि मैंने बर्तन धुला, क्योंकि होता है ना कि बर्तन अगर इसमें रहते हैं तो मुझे थोड़ी उलझन रहती है, सिंक में अगर बर्तन पड़े रहते हैं तो लगता है कि मतलब काम करना नहीं बन रहा है। और बस देखिए किस तरीके से मुझे ना अब मैं बस छुड़ा रही हूँ, और बार बार ये ना इसकी जो मलाई है वो ऐसे सिंक में फंस जा रही है। और सोचा ना कि थोड़ा सा छुड़ा के और पहले बाकी सारे बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि इसके चक्कर में फ्रेंड्स क्या हो रहा था ना कि देखिए अभी भी पूरा काला काला ऐसे बचा हुआ है, और ना जो वो स्टील वाली जो जाली आती है ना उससे छूट ही नहीं रही थी, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मुझे इसको ना थोड़ा चम्मच से छुड़ाना पड़ता। मैंने सोचा कि पहले जो बाकी बर्तन है ना उनको पानी से पहले धुल लेती हूँ, क्योंकि उसका भी जो साबुन का पानी होता है ना सूख जाएगा तो फिर उस पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो मुझे लगा कि पहले मैंने उन सबको खंगाल के अच्छे से धुल के पहले साइड कर लेती हूँ, फिर इसको आराम से छुड़ाती रहूँगी। और इसी चक्कर में थोड़ा सा ना मुझे जल्दीबाजी हो गया नाश्ता और जो लंच है ना वो बनाने में, क्योंकि इसको छुड़ाने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे। और आज मैं ना थोड़ा जैसे 5:30 की जगह ना मैं थोड़ा 6 बजे उठी थी आराम से, तो थोड़ा सा फिर किचन में आई तो इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी ये था कि टाइम पे मैंने बना लिया था खाना, नाश्ता खाना जो मुझे देना था अपने हस्बैंड को। बस युग का स्कूल आज नहीं था, इस बात में थोड़ा सा रिलैक्स था मुझे। और बस मैंने फटाफट से ना ये जो बर्तन है वो धुल लिए, और ये जो दूध है ना क्या ही बताओ, मेरे हस्बैंड ने चढ़ा दिया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि मतलब उन्होंने जो दूध है वो बॉयल करने के लिए रखा है, और उनको भी याद नहीं रहा। तो बस हम दोनों की छोटी मोटी गलती से ये पहली बार ऐसा हुआ है शायद कि ऐसे जो पतीला है वो दूध जो है वो जल गया है। पर ना मैं तो अक्सर क्या करती हूँ ना कि मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है कि जब दूध है तो उसको वही मतलब आप इंडक्शन पे चढ़ाए हो या फिर आप गैस पे चढ़ाए हो तो खड़े होकर उसको बॉईल कर लो, सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे ये लगता है। और अगर टाइम नहीं है आपके पास तो फिर आपको मतलब बिल्कुल स्लो मतलब बिल्कुल जो लो होता है ना उस पर कर देना चाहिए। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे बनाने सब्जी, और मुझे बनानी थी आज आलू परवल की सूखी सब्जी। बहुत अच्छी लगती है मुझे युग के पापा को, मैं हमेशा इसी तरीके से ना आजकल बनाती हूँ। भुजिया बहुत कम बनाती हूँ, मसाले वाला थोड़ा ना सूखा सा बना देती हूँ। तो परवल जो है ना मैंने पहले ही कट करके जो है वो रख दिया था, और आलू अब काट रही हूँ मैं। और आलू में से ना फ्रेंड्स इतनी ही ख़राब चीज़ें निकल रही हैं कि क्या बताऊँ मैं, मतलब इतना काला काला इसमें से निकलता है ना इस वाले आलू से, मतलब छोटे पे तो समझ में नहीं आता था क्या कैसे आलू होते हैं क्या होते हैं, बस खाने से मतलब होता था। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि आलू भी दो तरह के होते हैं भाई, सफ़ेद आलू लाल आलू। तो बस ये सब चीज़ें ना बड़े होने के बाद पता चलती हैं। और बस अब मैं ना तैयारी मैंने शुरू कर दी है सब्जी बनाने की। तो अब मैं क्या करूँगी ना कि हरी मिर्च वगैरह सब कुछ काट ली है मैंने, और अब इसमें मैं डालूंगी जीरा और सीधी मिर्च डालूंगी ऑयल डालने के बाद। और यहाँ पे मैं परवल जो है ना उसको थोड़ा चेक कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ख़राब हो गया है मतलब रखने से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो कंटेनर है ना फ्रेंड्स मैंने
शीशे का लिया था कंटेनर, ये छोटा सा, मतलब 3 इसमें कंटेनर मिले थे, और ये वाकई बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लोग भी ले सकते हैं। जैसे कुछ अगर सब्जी आपको काट के रखनी है, उसके लिए थोड़े काम जो है ना आसान हो जाते हैं। आटा वगैरह जो है ना, मैं तो ऐसे गूंथ लेती हूँ जब भी बनाती हूँ, थोड़े बहुत अगर कभी बच गए बाई चांस, क्योंकि होता है ना कभी कभी एक्स्ट्रा हो ही जाता है आटा, तो मैं इसी पे रख देती हूँ, बहुत सही रहता है। और जो आटे काले काले पड़ जाते हैं ना रखने पे, वो भी नहीं पड़ते, तो इसमें बड़ा सही रहता है, आराम से बन जाता है। और मैंने ना इकट्ठे यहाँ पे परवल भून के अच्छे से ना टमाटर आलू डाल दिए, हल्दी नमक डाल के, अब ये सब्जी पकती रहेगी। आप भी फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर करिए, वाली सब्जी ना बहुत टेस्टी लगती है। और सबसे लास्ट में ना मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ, तो खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। और टमाटर भी ना ऐसे खड़े खड़े से नहीं दिखते, अच्छे से मिल जाते हैं, और पूरे सब्जी में ना अच्छा सा खट्टापन सा टेस्ट आता है, साथ में डालने का ये फायदा। और यहाँ पे देखिए जो हमारे युग हैं, आज स्कूल नहीं गए हैं, तो बस सो के उठ के आ गए हैं, और यहाँ पे इनको देर तक थोड़ा सा प्यार चाहिए, तो आज थोड़ा सा ये नखरा कर रहा था। एक होता है ना कि कभी कभी बच्चों का मूड नहीं होता है सही सो के उठने के बाद भी, ऐसे ही डेली थोड़ा जल्दी उठ जाता है तो भी ठीक रहता है, लेकिन आज ना इसको क्या था कि थोड़ा लेट से ही सो के उठा था अपने स्कूल टाइम से, लेकिन फिर भी थोड़ा आज इनके नखरे हो रहे थे। और बस मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं जो कपड़े हैं ना वो धुलने के लिए, क्योंकि ये होता है ना कि सब सफाई भी करनी थी जैसा कि मैंने पहले बताया, और कपड़े वैसे हो गए थे ज़्यादा भी, अभी अच्छे खासे कपड़े हो गए थे, तो बस मुझे धुलना था फटाफट से कपड़े। और जैसे कि मैं बताती हूँ ना, हमेशा 3 दिन पे 4 दिन पे अगर कपड़े रहते हुए हैं, तो मैं तो धुलती रहती हूँ 3-4 दिन पे कपड़े ना, और कपड़े ज़्यादा हो ही जाते हैं, क्योंकि युग के कपड़े हमारे डेली यूज़ के कपड़े, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अभी मैं युग को बुला रही हूँ ना ब्रश करने के लिए, और थोड़ा आज उसका होता है जैसे कि मैंने बताया सुबह सुबह, उसका आज थोड़ा हो सकता है बच्चा है, हर दिन अलग अलग मूड होते हैं, जब हमारे ऐसे होते हैं तो वो तो बच्चा ही है, कभी हमारा काम करने का मन करता है, कभी नहीं मन करता है काम करने का, तो आज युग का ब्रश करने का मन नहीं था, थोड़ा सा नखरा कर रहा था कि मुझे ब्रश नहीं करना है, लेकिन मैंने बोला कि कर लो, ज़रूरी होता है। इसी में क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमें बच्चों को थोड़ा समझाना होता है अपने, कि मतलब क्या फ़ायदे होते हैं क्या नुकसान होते हैं, थोड़ा सा खेलना होता है उनके साथ में, बच्चों को यही चाहिए। अगर बस हम सब कुछ उनको एक नियम के हिसाब से करवाते रहेंगे ना, तो बच्चे जल्दी इन सब चीज़ों से उब जाते हैं। और यहाँ पे मेरी सब्जी जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी तैयार हो चुकी है, और तब तक मैं ना आटा गूंथ ले रही हूँ। क्या था कि थोड़ा सा आटा जो है वो बच गया था, जैसे कि आप, जैसे मैंने पतीले में आटा गूंथा है ना, उसके जस्ट पीछे एक कटोरी में आटा है, तो मैंने बनाई थी रात में पराठा वगैरह बनाया था, उसी का आटा थोड़ा बच गया था। तो मैं तो फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा आटा होता है तो वैसे मैं बना देती हूँ, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा सा ही आटा बच गया था, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आटा उतना ही जो है गूंथूँ जितना कि बन जाए। अगर थोड़ी 2-4 रोटी एक्स्ट्रा भी हो जाती है तो सही रहता है, हमें उतना दिन भर में मिलके खा ही लेते हैं, और अगर रह गई तो रात में खा लिया उसको सेक के, मतलब घी से या रिफाइन ऑयल से सेक के और रात में खा लेते हैं, क्योंकि रात में तो जैसा कि मैंने हमेशा बताया है हमारे यहाँ चावल ही बनता है, तो 1-2 रोटी बची रहती है तो वो हम लोग खा लेते हैं मिलके। तो ऐसे क्या होता है ना कि आटा रखना नहीं पड़ता है फ्रिज में, और हर रोज़ ना ताज़े ताज़े आटों का ना रोटियाँ बनाने में भी आसान रहती हैं। जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा समझ पाएंगी कि अगर हम फ्रिज में आटा रख देते हैं ना तो वो थोड़े कड़े से हो जाते हैं, और उसको उन आटों की ना रोटियाँ बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है। और अभी क्या है कि जैसे आप ताज़े आटों की ना रोटियाँ बनाओगे तो बहुत अच्छे से ना हम बेल पाते हैं, और वो थोड़ी खिली खिली रोटियाँ लगती हैं, होता है ना कि मतलब एकदम ताज़ा सफ़ेद सफ़ेद रोटियाँ बनती हैं तो वो अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आटा गूंथ के ही रोटी बनाऊं। आप लोग भी ट्राई किया कीजिए, और वैसे भी बहुत लोग बोलते हैं कि आटा ऐसे रखना सही होता नहीं है, हमारे मतलब जो बड़े हैं जो हमारी मम्मी थी वो बोलती थी कि आटा रखना सही नहीं होता है। तो पहले तो फ्रेंड्स यही होता था, पहले के लोग कहाँ ही रखते थे, जितनी बने उतनी बना के खा गए या फिर गाय को दे दिया। अब तो खैर गाय वाय मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम है आजकल की लाइफ में, लेकिन हम लोग खुद ही खा लेते हैं, और इतना तो आइडिया बनाते बनाते हो ही जाता है कितने में हमारा काम हो जाएगा। और बस मैंने यहाँ पर ना रोटियाँ जो थी हस्बैंड के लिए फटाफट से, जैसे कि मैंने बताया ना थोड़ा सा लेट हो गया था तो कुछ रोटियाँ बची थी, तो मैंने हस्बैंड का सबसे पहले ना जो लंच है और जो भी टिफ़िन था वो मैंने पैक कर दिया है, और अब मैंने सारी रोटियाँ जो हैं वो बना ली यहाँ पे, और थोड़ी सी यहाँ पे मैं जो आटा बिखरा रहता है ना रोटी बनाने के बाद वो साफ़ कर देती हूँ। बाकी काम में जैसे उस समय उस एरिए को मैं साफ़ कर देती हूँ, बस जो आटा गिरा रहता है बाद में बाकी सब साफ़ सफाई करती हूँ जो गैस वैस साफ़ करना होता है। और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड जो है वो चले गए हैं, और अब मैं निकाल रही हूँ घी यहाँ पे, मतलब घी को छान रही हूँ। घी तो मैंने निकाल लिया था सुबह सुबह ही, जैसे एक रात पहले ना मैंने उसका मक्खन निकाल लिया था, और फिर सुबह उठ के ही ना जैसे मैं किचन में आई तो एक तरफ जैसे मैं जब मैं बर्तन वगैरह धुल रही थी उस समय ही ना मैंने चढ़ा दिया था यहाँ पे घी पकने के लिए,
तो घी भी पक के जो है वो रेडी हो गया था, और अब मैं इसको ना छान ले रही हूँ अच्छे से। हमेशा तो वैसे मैं कपड़े से छानती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इस बार स्ट्रेनर जो है उससे छान के देखते हैं। और देखिए क्या ही मैंने कर दिया ना, पूरा घी में ना जो भी छाना था सब चला गया। और वापस से इसको अब खाली करो, फिर वापस से डालो, तो ये से मैंने सोचा कि ये सब नहीं करूँगी। पहले मैंने सोचा कि इसको खाली कर लेती हूँ घी को, पूरा वापस से कढ़ाई में डाल के फिर से करती हूँ, लेकिन नहीं हुआ। और ये पता है ये 2-3 बार गिर गया था, मतलब एक बार तो गिरा ही गिरा, और फिर इसके बाद मैं चली गई कुछ काम करने, फिर उसके बाद वापस गिर गया। और अब मैं यहाँ पे ना, तब तक वो उसमें से टपक रहा था घी जो है, तब तक मैंने सोचा कि युग को खाने के लिए दे देती हूँ रोटी और सब्जी। तो ऐसे मैं रोल करके दे देती हूँ ना, तो युग खाता रहता है। मुझे ना बहुत थोड़ा बोलना पड़ता है। पहले क्या था कि जैसे मैं इसको अपने हाथों से खिलाती थी तो उसमें मुझे बैठना पड़ता था, मेरे काम जो है ना वो रुक के रहते थे कि जब तक इसको खिला नहीं लूंगी तब तक मैं काम कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो अभी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसको रोल करके देती हूँ, एटलीस्ट अपने हाथ में पकड़ के खा तो लेगा ये। तो अपने थोड़ा बोलना पड़ता है मुझे, जैसे कि देखिए अभी मैं इसको डांट रही हूँ, और ये है कि चलो खुद से पकड़ के खा लेता है, बोलती रहती हूँ, खाता रहता है कि थोड़ा बड़ा बाइट लो। अब बच्चा है, बदमाशी तो करता रहेगा। पता है फ्रेंड्स, मतलब बस शायद आप लोग इस चीज़ से कनेक्ट कर पाओगे कि जब हमारे बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो मुझे लगता है कि फिर हमारी भी आदत में थोड़ी वो हो जाती है, मतलब कि हम लोग शांति से थोड़ा काम कर लेते हैं। और लगता है कि बच्चे जिस दिन स्कूल नहीं जा रहे उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही शैतानियाँ कर रहे हैं। ये लगता है कि अरे आज तो बहुत ही हद कर दी बच्चे ने बदमाशी करने में। स्कूल रहता है तो 2 घंटे का थोड़ा रहता है कि हम अपने काम जो है वो फटाफट से निपटा लेते हैं, जो भी 2-3 घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं। तो उसको मतलब वो अपना बदमाशी जो है वो अपनी कंटिन्यू कर रहा था कुछ ना कुछ। और मम्मी लोग की तो आदत होती है ना, हम लोग बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ बच्चों को, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो। और फिर मैं आ गई यहाँ पे ना, कपड़े जो है वो ड्राई ड्रायर में ड्राई हो चुके थे, और बस अब मैं यहाँ पे कपड़े जो है वो फटाफट से डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। अभी देखिए नीचे जो है ना कपड़े वो ऐसे भी रखे हुए, उनको भी धुलना था। फिर जब मैं अभी वॉशिंग मशीन में से खाली करूंगी दूसरे कपड़े, फिर जाके ना मैं वो वाले कपड़े धुलूंगी। पर अभी और भी कपड़े थे, मतलब युग के पापा के कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। लगता है ना कि मतलब वॉशिंग मशीन तो है, लेकिन वॉशिंग मशीन में भी फ्रेंड्स क्या ही बताएं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये है कि जितनी भी चीज़ें हमारे घर में होती हैं ना, जो आधुनिक चीज़ें जिनको हम बोलते हैं, उनसे आराम तो काफ़ी हो जाता है। पहले हम लोग हाथ से कपड़े धुला करते थे, तो उनकी मुकाबले बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। और मतलब एटलीस्ट ये होता है कि जब वॉशिंग मशीन में काम चल रहा है तब हमें और कुछ नहीं करना पड़ता है, और हम अपने सारे काम करते रहते हैं, वो अपना कपड़े धुलने का काम करता रहता है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि मैंने स्पाइडर जो है वो देख लिया था, तो मैं उसको भगाने के चक्कर में पड़ गई थी। तो युग भी बार बार वही सब देख रहा था, हम दोनों मिलके ये सब का मैं फिर हिट लेकर आई। मैंने सोचा कि उसे स्प्रे करके देखती हूँ, अगर हट जाए तो अच्छा है, लेकिन बहुत ही अड़ियल स्पाइडर थी, वो हट ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना काम करती हूँ, छोड़ो उसको, जब हटना होगा तो वो हट ही जाएगी। और मैंने बाकी जगह झाड़ू लगा लिया था, और अब बस बाहर वाला जो रूम है ना, और बाहर का जो जो भी एरिया है हमारा, बाहर का गली वगैरह, तो वो सब बचा हुआ था। तब तक मेरे मूड में आया कि चलो मैं थोड़ा सा गाना बजा लूँ, गाना सुनते सुनते थोड़ा काम करती हूँ। इसके पहले किसी से मेरी बात हो रही थी, बात करते करते थोड़ा बहुत काम निपट गया, और अब मैं बजाऊंगी यहाँ पे गाना। तो जैसे ही गाना बजता है ना, वैसे युग का क्या होता है कि अपना जो बच्चों वाला सुनने का उसका मन करता है, जैसे बेबी शार्क हो गया, कुछ भी जो उसकी पसंद का है। तो मैं बोलती हूँ ना कि नहीं, मतलब पहले हमारी पसंद का बचेगा, और सुनता तो वो भी है, वैसे हम सुनते हैं तो बच्चे भी हमारे साथ सुन ही लेते हैं। तो बस गाना एंजॉय करते करते मैंने ना झाड़ू वगैरह जो है वो लगा लिया अच्छे से, और बाहर भी देखिए यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया। पता नहीं इतनी सारी धूल उड़ रही है ना, इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है कि बहुत परेशानी होती है। रोज़ वही काम करो, कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन में ना मतलब 2 बार झाड़ू लगाना पड़ता है बाहर में, उसके बाद भी मतलब धूल आ जाती है। और ये भी होता है कि आप अभी झाड़ू लगाए और तुरंत झाड़ू लगाओ फिर से धूल निकलती है, तो लगता है कि यार इतनी धूल आती कहाँ से है। और इतना हम काम करते हैं इसीलिए शायद झाड़ू पोछा दोनों ही इम्पॉर्टेंट होता है हर रोज, कि थोड़ी सफाई हमें मेंटली साइकोलॉजिकली, और थोड़ा घर तो साफ हो ही जाता है, लगता है कि घर साफ हो गया इससे। तो अच्छे से मैंने सब जगह झाड़ू लगा लिया, और अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो बाकी जगह मैंने पोछा लगा लिया था, और अब बचा था बस मेरा ये बाहर का रूम, और वही बाहर का बरामदा जो है वो बचा हुआ था। तो ये सब जगह पे भी मैंने फटाफट से पोछा लगा लिया, बेडशीट वगैरह मैंने हटा दी थी धुलने के लिए, तो मुझे अभी ये सब ना बिछाना था। मैंने सोचा कि पहले मैं ना झाड़ू पोछा का काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ, और आज मुझे मार्केट भी जाना था क्योंकि नवरात्रि थी जैसे कि, तो मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी करनी थी, तो नवरात्रि की शॉपिंग थी। तो वही मैं अभी पोछा वोछा लगा लूंगी, फिर करते करते शाम को मतलब सब लोग, क्योंकि जाना था मार्केट, सबको शॉपिंग करनी थी, तो
तो हम लोग सब लोग शाम को निकले थे मार्केटिंग और मार्केट के लिए शॉपिंग करने के लिए, और बस वो अच्छा लगा कि हम सब लोग इसके बाद, इसकी तुरंत बात तो नहीं, फिर मैं नहा वहा ली थी, फिर उसके बाद रेडी होके फिर हम सब लोग साथ में गए थे मार्केट। काफ़ी मज़ा आया, जब सब लोग साथ में जाते हैं तो मज़ा आता है। और मार्केट की रौनक देखिए, जब कोविड था ना फ्रेंड्स, तो आपको याद होगा, लगता था कि शायद ये दिन हमें देखने को वापस नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान की कृपा रही और ये दिन हमें तुरंत देखने को मिला, और हम सब ना कोविड को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। और अब मार्केट जाके तो बहुत ही रौनक लगती है, मज़ा आता है शॉपिंग करने में। और ये देखिए बस मैं और युग और भी आगे हैं, नेहा हैं, मेरे जेठ की लड़की हैं और जेठ के लड़के और जेठानी, सब लोग हैं। हम लोग बस शॉपिंग कर रहे हैं, देखिए चल रहे हैं हम लोग मार्केट में। बहुत सारी शॉपिंग की थी, बैग काफ़ी भारी हो गया था, बड़ा सा बैग लेकर मैं गई थी। और एक एक एरिया है फ्लावर्स के लिए, और ये देखिए पूरे गली में ना भगवान जी की चीज़ें मिलती हैं, डेकोरेशन की चीज़ें मिलती हैं, तो हर एक एरिया बटा हुआ है हमारे यहाँ, मतलब जो मैं जहाँ पर रहती हूँ, तो बहुत ही अच्छी मार्केटिंग जो है ना वो हो जाती है हर जगह से, हमको एरिया वाइज पता है कौन सी जगह है क्या है। तो फ्रेंड्स ये था ना आज का हमारा छोटा सा प्यारा सा वीडियो, और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।